तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बहुत से लोग गाइज मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो हम अप्लाई करके ग्राफ पर जो है उसके साथ ट्रेड ले सकें और जो 100% जो है एक्यूरेसी दे हमें। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यार ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है कि जो आपको 100% एक्यूरेसी दे, क्योंकि गाइज चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वो ऐसा आपको कोई श्योर शॉट स्ट्रेटजी या ऐसा कोई भी चीज नहीं बता सकता जिस पे आप 100% श्योरिटी के साथ जो है ट्रेड ले सको और आप 100% विन ही करोगे। ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनी है, कुछ ऐसा बना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें गाइज टेक्निकल एनालिसिस हो गया, कुछ कमाल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का और कुछ स्ट्रेटजी का कमाल होता है। ये सारा जो फ्यूजन जो बनता है ना, इसके ऊपर जो कॉन्फर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से लोग जो है ट्रेड लेते हैं। मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो चीजें मैं सारी आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अल्टीमेट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ गाइज, जिसपे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है। आई एम श्योर कि अगर आप उसको अप्लाई करेंगे ग्राफ पर तो डेफिनेटली आप ट्रेड को जो है विन करोगे, फॉर श्योर नहीं कह सकता गाइज मैं, बट आप यहाँ पे उस स्ट्रेटजी के साथ अगर जाते हो तो आपके विनिंग के चांसेस जो हैं थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे और आप खुद से भी उसको अप्लाई कर सकते हो। सारे पैरामीटर्स, सारे वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी लेकर के दिखाऊंगा उस स्ट्रेटजी के साथ में, उस कॉन्फर्मेशन के साथ में। तो यार अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गाइस एक एक चीज यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक चीज, एक एक पैरामीटर्स, एक एक स्ट्रेटजी जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मेरी खुद की टेस्टेड की हुई स्ट्रेटजी है और मैं इस पे जो है लगभग 8 से 10 ट्रेड जो है ले चुका हूँ और 80% विनिंग के चांसेस हैं। तो आई एम श्योर कि आप अगर इस स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं तो आप विन करोगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल के इंट्रो के साथ में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन विद न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। मैं अंकित गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैं स्ट्रेटेजी के बताने वाला हूं यहां पर आपको, चलिए लेके चलता हूं मैं आपको ऑल इन ट्रेड प्लेटफॉर्म के ग्राफ पर जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। तो यहाँ पर रॉ ग्राफ आपके सामने है गाइस। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उस स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको पैरामीटर्स रखने हैं, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको जाना है टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन पर। यहाँ पे आप जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस के सारे पांचों के पांचों जो है इंडिकेटर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप एसेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी एसेट्स पे आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे मैंने फेवरेट्स में अपने ऐड किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जिस करेंसी पेयर्स पे मैं ट्रेड लेता हूँ और जो सबसे ज्यादा ट्रेड लिए जाते हैं वो करेंसी पेयर मैंने अपने एसेट्स में ऐड किए हुए हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज दिखा देता हूँ गाइज। अब गाइज यहाँ पे स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो कि टेस्टेड होती है, कुछ अनलॉक स्ट्रेटजीज होती है, कुछ लॉक्ड स्ट्रेटजीज होती है। अगर आपका अकाउंट एक्सपर्ट है, वीआईपी है, ये सारी स्ट्रेटजी जो है आपके अकाउंट पर आपको मिल जाएंगी, जितनी भी सारी स्ट्रेटजी है। मेरा अकाउंट जो है वीआईपी है तो ये सारी स्ट्रेटजी मेरे को मेरे अकाउंट पे मिली हुई है, मेरे ओलिम्पिक के प्लेटफॉर्म पे मेरे को मिली हुई है। तो अब हमें क्या करना है, जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन पर। इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आपको लगाना है सबसे पहले बॉलिंगर बैंड, बॉलिंगर बैंड्स आपको अप्लाई कर लेना है, फर्स्ट स्ट्रेटजी आपके अप्लाई हो जाएगी आपके ग्राफ पर। सेकंड अगेन आपको बॉलिंगर बैंड्स पे क्लिक करना है। अब दोनों स्ट्रेटजी आपकी अप्लाई हो चुकी है, डबल बॉलिंगर बैंड। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है आपको 2 मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट है, इसको आपको 3 कर देना है। 3 करने के बाद में ये दोनों स्ट्रेटजी आपकी अप्लाई हो जाएगी, जिसको हम डबल बॉलिंगर बैंड्स बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है डबल बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डेडिकेटेड बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को कि किस तरह से मैंने
ट्रेड ली थी उसके ऊपर और किस तरह से आप मेरे को कॉन्फर्मेशन मिला था, बहुत ही अच्छी बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटेजी है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी आपके अप्लाई हो चुकी है। अब अगेन आपको एड मोर टूल्स पर क्लिक करना है एंड आपको क्लिक करना है पैराबॉलिक स्टार पर। पैराबॉलिक स्टार आपका अप्लाई हो जाएगा ग्राफ पर। तो ये तीन स्ट्रेटेजी जो है आपकी अप्लाई हो चुकी है ग्राफ पर। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, अब हमें जाना है ऑसिलेटर के सेक्शन पर। इस सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है MACD। MACD अप्लाई कर लेंगे, सब जितने भी पैरामीटर्स है सिर्फ डबल बोलिंगर बैंड को छोड़ के सारे पैरामीटर्स जो है हमें बाय डिफॉल्ट रखने हैं। अब ये चारों इंडिकेटर्स, चारों स्ट्रेटजीज आपके ग्राफ पर लाइव अप्लाई कर चुका हूं मैं। आप भी इस स्ट्रेटजी को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्फर्मेशन के बारे में गाइज। तो कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ पे कैसे मिलने वाला है, ग्राफ आपके सामने है, सारी स्ट्रेटजी आपके सामने है और लाइव चल रहा है ग्राफ यहाँ पर। अब यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं गाइज, अमाउंट कितना है और मैंने जो मेरी ट्रेडिंग अमाउंट है मैं कितने अमाउंट से ट्रेड लूंगा, पैरामीटर सब मैं आपको बताने वाला हूँ, कितने अमाउंट की आप कितने ड्यूरेशन की आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको ग्राफ की टाइमिंग क्या रखनी है, सारी चीजें अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। अब हम यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए जाएंगे गाइज। तो कॉन्फर्मेशन आपको यहाँ पे कैसे मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ गाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे अभी आपको देखा ये जो आपको रेड और ग्रीन जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रीन और रेड लाइन जो है अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करके अपर ट्रेंड में जा रही है तो आपको अपर ट्रेंड के लिए कॉन्फर्मेशन मिलेगा। और उसके साथ में आपको यहाँ पे देखना है ये जो डॉट्स हैं यानी पैराबॉलिक स्टार के जो डॉट्स हैं, अगर ये आपको अप ट्रेंड में मिल रहे हैं तो ये दोनों कॉन्फर्मेशन जो है इनफ है। अगर इन दोनों कॉन्फर्मेशन के साथ अगर आप जा रहे हैं, ये दोनों कॉन्फर्मेशन आपको अपवर्ड ट्रेंड में मिल रहा है तो यहाँ पे आप अपवर्ड ट्रेंड के लिए फॉर 2 मिनट्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्राफ की टाइमिंग क्या रखनी है, ग्राफ की टाइमिंग आपको आप 1 मिनट भी रख सकते हैं, 2 मिनट भी रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए रखेंगे तो आपको जो ट्रेड प्लेसिंग की टाइमिंग है वो आपको जस्ट डबल कर देनी है। तो मैंने फिलहाल जो है 1 मिनट ग्राफ की टाइमिंग रखी है, फिलहाल अभी मैंने 1 मिनट रखी है। अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। फिलहाल हम ट्रेड ले लेते हैं गाइज यहाँ पे, जो अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। अब देखते हैं हमें कहाँ पे जो है कॉन्फर्मेशन किस तरह का मिलता है। यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है $30 कर दिया है और अब हम मुझे ट्रेड प्लेस करनी है फॉर 2 मिनट। देखते हैं अभी ये कैंडल जो है क्लोज हो जाए उसके बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। अपवर्ड ट्रेंड के लिए मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर, अपवर्ड ट्रेंड के लिए मैं ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं वॉच करता हूँ इसको, 10 से 15 सेकंड कैंडल को, वो आपको भी वॉच करनी है, मैं भी यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें जाना है अपवर्ड ट्रेंड के लिए क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस करके अपवर्ड ट्रेंड के लिए जा रही है और यहाँ पे पैराबोलिक स्टार का जो हमें कॉन्फर्मेशन मिल रहा है वो अपवर्ड ट्रेंड के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है फॉर 2 मिनट। आपने देखा मेरी ग्राफ की टाइमिंग जो है 1 मिनट है, तो मैंने आपको बोला कि आपको ट्रेड की ड्यूरेशन रखनी है 2 मिनट्स के लिए। तो 2 मिनट्स की आपको ट्रेड की ड्यूरेशन रखनी है अगर आप 1 मिनट की ग्राफ की टाइमिंग रखते हैं। अब थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ग्राफ को, अब यहाँ पे देखते हैं ये ट्रेड हमारे कहाँ पे क्लोज होती है गाइस। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है और ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की अप्लाई की हुई है, खुद की टेस्टेड की हुई है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और सारी वीडियो मेरी लाइव ही रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए कि कैसे कॉन्फर्मेशन मिलता है। ये आपने यहाँ पे देखा गाइस, ये जो यहाँ पर है एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है रेड और ग्रीन कलर की लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड में। और यहाँ पे आपने देखा पैराबॉलिक स्टार, तो यहाँ पे पैराबॉलिक स्टार हमें कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, तो हमें इसको स्कीप करना है, नहीं जाना है। अब अगेन यहाँ पे आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी यहाँ पे जा रही है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जा रही है, कहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिल रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए। यहाँ पे देखो एक दूसरे को क्रॉस करके रेड और ग्रीन कलर की लाइन जा रही है डाउन ट्रेंड में, आपने देखा। और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेंड में जो मेरे को कॉन्फर्मेशन मिला पैराबॉलिक स्टार का जो डॉट्स है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे हम 2 मिनट्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीके से हम जीतेंगे, विन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा पूरी सारी कैंडल जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में गई। अगेन आपको यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे क्रॉस कर दी है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। क्रॉस करने के बाद में
ऊपर सेकंड कॉन्फर्मेशन में मिल रहा है पैराबोलिक सार का डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, यहाँ पे क्रॉस करके गई, दोनों कॉन्फर्मेशन हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, और अगेन हमें जो है डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए हम फॉर 2 मिनट जो है हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, सारे कॉन्फर्मेशन में डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए मिल रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड का हमें कोई भी कॉन्फर्मेशन अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं गाइज, पहले हम ट्रेड को ले लेते हैं गाइज, लगभग ट्रेड हमारी कहाँ पे हमारे फेवर में ही है, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे हमने ट्रेड को विन किया, तो लाइव प्रूफ आपके सामने है गाइज कैसे हमने ट्रेड को जो है विन किया यहाँ पर, और $24.6 का हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। $30 की मैंने अपवर्ड ट्रेंड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस की थी, आपने यहाँ पे देखा बहुत ही इजी कॉन्फर्मेशन है, सारे कॉन्फर्मेशन मैंने डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आपको बता दिए यहाँ पर, और अपवर्ड ट्रेंड के लिए मैंने आपको बताया कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो हम डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए कॉन्फर्मेशन देखेंगे। अभी हम 5 मिनट का ग्राफ में की टाइमिंग में चेंज कर देता हूँ, ग्राफ की टाइमिंग 5 मिनट्स की है। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड के लिए कॉन्फर्मेशन मिल रहा था, ये जो ग्राफ है यहाँ पे ज्यादा था अपवर्ड ट्रेंड के लिए। मैं इसको GBP USD पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, किसी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूरो AUD के करेंसी पेयर पे भी मैंने इसको अप्लाई किया। यहाँ पे हमें डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए मिल रहा है कॉन्फर्मेशन, यहाँ पे हम जा सकते हैं फॉर द 2 मिनट डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए। अगर 5 मिनट मेरी ग्राफ की टाइमिंग है तो 10 मिनट्स की मेरे को ट्रेड प्लेस करनी है, यानी 5 × 2 यानी 5 × 2 = 10, यानी 10 मिनट की ड्यूरेशन हमें ट्रेड की रखनी है। अगर हम 1 मिनट के लिए रख रहे हैं, ग्राफ की टाइमिंग 1 मिनट है, तो हमें 1 × 2 यानी 2 मिनट्स की हमें ट्रेड की ड्यूरेशन रखनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से मैंने ट्रेड ली, डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको जाना है डाउनवर्ड ट्रेंड में। अगर दो कॉन्फर्मेशन आपको वहां मिल रहे हैं, फर्स्ट हो गया आपका MACD एंड सेकंड हो गया आपका पैराबोलिक सार, एंड इन दोनों कॉन्फर्मेशन के साथ अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप ट्रेड को विन करेंगे। फेक कॉन्फर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, साइड वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट हमें देखना है कि अगर ग्रीन और रेड कलर की जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे को क्रॉस करके या तो अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है या डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, एंड जो पैराबोलिक सार है वो अब जो उसके जो डॉट्स हैं, जो रेड कलर के डॉट्स हैं, वो या तो अपवर्ड ट्रेंड में बन रहे हैं तो हमें अपवर्ड ट्रेंड के लिए जाना है, डाउनवर्ड ट्रेंड में बन रहे हैं, डाउनवर्ड का इंडिकेट कर रहा है हमें, तो हमें फॉर 2 मिनट्स के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। आपको लाइव करके दिखाया कि किस तरह से आपको इस कॉन्फर्मेशन इस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, ये स्ट्रेटेजीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किन किन लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके जो है ट्रेड प्लेस करी और विन किया ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यार आपके कमेंट्स का जो है मेरे को वेट रहेगा, मैं वेट करूंगा आपके कॉन्फर्मेशन का, सॉरी आपके कॉमेंट्स का कि आपको ये स्ट्रेटेजीज कैसी लगी। और यार लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यार आपका लाइक जो है मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि वो मोटिवेशन जो मिलता है ना यार आपके आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का, तो उससे और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है यार, और भी आपके लिए मैं एक एक्साइटिंग कंटेंट लेके आऊं ताकि आपकी नॉलेज में जो है इजाफा हो सके। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और स्ट्रेटजी बहुत ही यूजफुल है, मैं भी इसी स्ट्रेटजीज को यूज करके आजकल ट्रेड ले रहा हूँ। जो मेरे लाइव 2 सेशन रहते हैं जिन पर मैं ट्रेड लेता हूँ, बेसिकली जो है ये सेशन की ट्रेड जो होती है उस पर मैं थोड़ा ज्यादा इसको जोर देता हूँ इस पर, और यहाँ पे इस स्ट्रेटजीज के साथ में जाता हूँ। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी जो चीज़ें हैं कुछ भी फेक नहीं मिलने वाला है, कुछ भी आपको जो है ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा कि आपको वहाँ पे जो है आपके नॉलेज में इजाफा ना हो सके। क्योंकि मेरा जो मोटिव है गाइस, मैं जितने से ज़्यादा जो मेरे नॉलेज है मैं आप तक शेयर करूं, ताकि जितना मुझे आता है मैं सब आपको जो है आपके साथ जो है शेयर करता हूं, ताकि आप भी सीख सकें और आप भी खुद से एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो मुलाकात करते हैं गाइस और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ में, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।